लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वैसे तो इंडिया की कई विरासत कई सालों तक मिट्टी के ढेर में दबी रही, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं उस विरासत के बारे में जो सालों तक समुद्री रेत में दबी रही। पत्थर से बने विशाल मंदिर कई सालों तक रेत के अंदर दबे रहे, लेकिन जब ये दुनिया के सामने आए तो लोग हैरान रह गए। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में सिफ्टेड पगोडा के नाम से फेमस ये स्ट्रक्चर 7वीं सदी में पल्लव डायनेस्टी में बने थे। जैसे ही उनका गोल्डन एरा खत्म हुआ, ये मंदिर समय की गर्त में समा गए। एक समय ये सारे स्ट्रक्चर समुद्र की रेत से ढक गए और कई सालों तक ये ऐसे ही रहे। बाद में जब एक अंग्रेज वहां आया और गलती से उसके पैरों से रेत हटी तो नीचे ये विरासत देखी। बाद में जब इसकी खुदाई हुई तो दुनिया के सामने ये विरासत सामने आई। अब ये जगह विश्व विरासत स्थल में शामिल है। महाबलीपुरम प्रसिद्ध पल्लव साम्राज्य का प्राचीन समुद्र बंदरगाह था। पल्लवों ने कांचीपुरम को राजधानी बनाकर से 3री से 8वीं सदी के बीच शासन किया था। वहां पाए गए एक शिलालेख के अनुसार महाबलीपुरम के स्मारकों को पल्लव राजा महेंद्र वर्मन 580 से 630 ईस्वी और उनके बेटे नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईस्वी